लेमन लेमन। हाँ, कराची के लोग जो होते हैं अक्सर जब मेरे पास आते हैं तो मुंह में उनके पान होता है और पान आके खुशबू उनकी किलोमीटर से पहले ही आ रही होती हाँ आस जी। पास आके बोलते ए भाई ये कौन सा बैंड है, कौन सा बैंड है, कहाँ जा रहा है ये बैंड? जी लाहौर जा रहा है। ये बैंड कौन सा है, कहाँ परफॉर्म करना है? जी हम वो जी आतिफ असलम साहब जो हैं। आतिफ असलम कौन है? जी वो मैं गाता हूँ जी, वो कभी टीवी पे नहीं दिखा भाई। कंफर्म है, कंफर्म किया आपने? अच्छा ठीक, अच्छा लेकिन बताएं एक बात, ये बैंड कौन सा है? जी आप इनकी मिमिक्री जज, मैं क्या करूंगी, हमारी तो खुद मिमिक्री होती है बड़ी जबरदस्त। लेकिन बुशरा आपा जो क्वीन ऑफ मिमिक्स एंड मिमिक्री है, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी बुशरा आपा, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वी मलेशिया में साथ थी और सबसे तालियां वालेकुम, गुड आपकी परफॉर्मेंस पे मॉर्निंग। हमने बजाई थी। कैसी हैं आप? ठीक है, सलाम वालेकुम माँ बिल्कुल जी। ठीक हो। तुम दोनों यहाँ पे जो कुछ कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ। अच्छा माँ जी क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम। ये इतना गंदा बच्चा है, ये मुझे मुझे कराची का टाइम देके दुबई निकल गया। दा कब की बात है ये? ये मैं 1.5 महीना पहले बोल के गई थी कि नहीं, आपा खबरदार उसके बच्चे बाद को में मत चला गया था, बुलाओ। उसके बाद में लंदन चला गया था, फिर आप वापस आए हो। बुशरा आपा, देखो ना पैरडी जो कैसे की जैसे है? मैं निकली हाँ वैसे ही दुबई चला गया। पैरडी कैसी की बुशरा आपा? अभी आपने कुछ पैरडीज देखी होंगी। बड़ी अच्छी थी, मुझे पता चल गया ये भूखा नहीं मरेगा इंशाल्लाह, ताला ये कमा के खाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में आर्टिस्ट को दो तरह के जरा करियर साथ साथ चलाने पड़ते हैं, किचन चलाने के लिए। नहीं देखो देखो, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंस का काम है, मिमिक्री करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। अब बड़ी मजेदार बात है कि जब मुझे मुझे पता भी नहीं था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है और तमगा इम्तियाज क्या होता है एक्चुअली, तो हाँ। उस दिन मुझे बुशरा आपा ने कॉल करके बताया और तुम्हें बहुत मुबारक हो। मैंने कहा जी क्या हुआ है, कहाँ आग लगी? तो कहती हैं कि तुम्हें तमगा इम्तियाज जो है ना हुकूमत ने तुम्हारे लिए अनाउंस कर दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, मतलब इट्स अ बिग अवार्ड फॉर मी और आई थैंक गॉड, और बिल्कुल मुझे ये मुबारक खबर जो थी वो माँ जी ने दी थी। थैंक यू जी सो वेरी मच माँ जी। माँ जी, हाँ आई माँ कॉल जी माँ जी। सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया। और ईद पे एल्बम रिलीज है और इस पे स्पेशल शो करेंगे हम, आतिफ आप हमारे शो पे आएंगे। और सबसे इसकी हाईलाइटेड बात, एक गुड न्यूज अब सब फैंस के लिए, वो क्या है कि आप शो में क्या क्या दे रहे हैं अपने फैंस को, जरा बताओ। एल्बम रिलीज होने की खुशी में एल्बम रिलीज होने की खुशी में, एल्बम रिलीज होने के लिए आई साइन हाफ यू द पोस्टर्स, और पोस्टर्स के अलावा जो नई सीडी है इंशाल्लाह वो ज़रूर सबको साइन करके दूंगा। और दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और कुछ काफ़ी अरसे से मुझे फैंस ने बोला हुआ है कि इस तरीके से आप प्लीज़ अपनी कुछ चीज़ जो है वो हमें देने, तो विल बी कमिंग योर वे। अच्छा, सिग्नेचर जो आइटम्स हैं इनकी, हेड बैंड्स, रिस्ट बैंड्स, और क्या होता है, पोस्टर्स तो हो गए, साथ में सीडीज हैं जी। हाँ सीडीज ऑफ कोर्स, रिस्ट बैंड्स और ऑफ कोर्स हेड बैंड्स जो मैं आजकल काफ़ी पहना हूँ और कॉन्सर्ट्स पे, और ये वो आई डेफिनेटली साइन देम फॉर यू। हाँ जी, आपको मसला नहीं, कर मुकर गया तो हम घर से उठवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू पता था सर। ना इसको कि मैंने मुकर जाना है, जानबूझ के इसने बोला है। अब ये यू हैड अ नाइस टाइम, द शो टाइम इज ओवर, आई नो 2 घंटे कैसे गुजरे पता नहीं चला, लेकिन हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। आई मीन पाकिस्तान से जब मैं इधर आया हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। आपकी पूरी टीम, स्पेशली कैमरामैन और डायरेक्टर और जितने भी लोग इस पर्दे के पीछे हैं, दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड व्हाट टू टेल अबाउट योर शो, ऑफ कोर्स इट्स ब्रिलियंट, इट्स ऑसम, एंड आई एज आई टोल्ड यू ऑल ऑफ यू दैट शी इज़ द सनशाइन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो मेरी बड़ा बात हो मज़ा रही आता है, है। सॉरी मेरी बात हो रही है, सॉरी। हाँ थैंक्स। तो आई मीन बहुत खुशी होती है कि ऑफ कोर्स जब नादिया का शो देखता हूँ तो शी इज़ वेरी लाइवली, शी इज़ वेरी गुड, और ये और कौन है छोटू? ये मैं हूँ शहबाज शिराज, ये भी मैं हूँ मंकी, ऑल ब्रदर्स बैंड ऑफ ब्रदर्स मंकी फेस। हाँ, वेरी नाइस, एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस, जो भी शो देख रहे हैं आप, शो पे आए, और आतिफ रियली गिव्स एन एनी टेलीविजन इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू, तो लेकिन नजर आते रहा करें, एल्बम के दिनों में नजर आएंगे। मैं चला जरूर आऊंगा बिकॉज़ ऑफ कोर्स सॉरी प्रमोशनल यार, एक्टिविटीज नहीं। फिर फरमाइश आ गई, क्या फरमाइश शो हो के गई? टाइम खत्म हो गए, ये फरमाइश आई है कि वंस मोर द होल शो 2 घंटे फिर से चलेगा।
चलो आखिरी गाना सुना दो ताकि फिर उसके बाद हम जरा साइन ऑफ कर सके। अच्छा, क्या सुनना है? अरे भाई आखिरी 30 seconds जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, तेरे बिन वाला हो जाए या दूरी। कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूले से क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन।